हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। गाइस देखो, 4K प्रीमियम टीवी। अब ये जो प्रीमियम शब्द है, इसका मतलब ही होता है कि मतलब बहुत अच्छी टीवी या फिर बहुत बेस्ट टीवी। अब बात ये है कि अगर आप मार्केट में लेने जाते हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट कहीं भी अगर ढूंढने जाते हो, तो यार बहुत सारे ब्रांड है, प्लस में उनके इतने सारे मॉडल्स हो चुके हैं, मतलब एक ही ब्रांड के एक ही प्राइस रेंज में बहुत सारे मॉडल हैं यार आपके प्रेजेंट टाइम में। मतलब कंफ्यूजन हद से ज्यादा है, ये लें कि ये लें कि ये लें, बहुत सारा। मतलब एज फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाना चाहूंगा, जैसे कि आप प्रीमियम टीवी लेने जाते हो, प्रीमियम टीवी मतलब आप पैसा भी ज्यादा दोगे, लगभग मिनिमम आप 50,000 या 60,000 रुपए मिनिमम खर्च करोगे अगर, और उस समय में आप कोई भी जो है मान लीजिए एक्स वाई जेड मॉडल आप लेने जा रहे हो, एक्स वाई जेड ब्रांड का मॉडल लेने जा रहे हो, तो 50,000 रुपए में एक ही ब्रांड कई सारे मॉडल्स लॉन्च करके रखा हुआ है, और आप कंफ्यूजन हो कि भाई साहब ये ले। और सबसे बड़ी बात, आप जब टीवी लेने जाते हो अपने लिए 4K खासकर प्रीमियम टीवी, तो यार आप जो है उसको एक दो साल के लिए तो लेते नहीं हो, मिनिमम कम से कम 5 साल के लेते हो, या फिर 8 साल या फिर 10 साल के लेते हो। और सबसे बड़ी बात यह, जब इतने लंबे समय के लिए हमको अगर कोई 4K प्रीमियम टीवी लेनी है, तो क्यों ना यार उसको बहुत अच्छी तरीके से जांच परख के लिया जाए। तो यार यही चीज मैंने किया है, आपका दोस्त उत्कर्ष पांडे ने ये चीज की है। पिछले 2-3 महीने से हम ये लिस्ट बना रहे हैं 4K प्रीमियम टीवी की। तो प्रीमियम टीवी का मतलब होता है कि यार जिसमें आपको कमी जरा सी भी ना हो, आपको उसमें कलर पिक्चर क्वालिटी उस प्राइस रेंज में बहुत बेहतरीन मिले, उसके आसपास कोई अदर टीवी इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी ना दे पाए जिस प्राइस रेंज में वाली टीवी ले रहे हो, साथ साथ में उसकी कलर पिक्चर क्वालिटी, साथ उसकी साउंड क्वालिटी, उसके कलर पिक्चर नेचुरल प्रोफाइल पिक्चर है कि नहीं, साथ साथ में उसकी जो है वारंटी है, साथ साथ में सर्विसिंग भी। सर्विसिंग मतलब मान लीजिए आपने प्रीमियम टीवी ली, और प्रीमियम टीवी में यार कल को जरा सी भी दिक्कत आई, पता जो है सर्विस सेंटर में कॉल कर रहे हैं वो आ ही नहीं रहे, एक एक हफ्ता लगा दे रहे हैं। तो ऐसी ब्रांड को भी हम, ऐसे कंपनी को भी हमने साइड में रखा हुआ है, वही ब्रांड देख रहे हैं जिनमें वारंटी ऑन टाइम दे पाए आपको, वही वाले ब्रांड हमने चुने हुए हैं यार। इसीलिए ये सब करने में ना कई सारे दिन, मतलब 2-3 महीने से हम ये कर रहे हैं, और ये जो मेरा काम है पिछले 3-4 साल से हम कर रहे हैं, ये आज ही से नहीं कर रहे, ये मेरा खुद का काम है। तो इसीलिए आपको आज की इस वीडियो में बता पाएंगे बेस्ट 4K प्रीमियम टीवी 43 इंच से लेकर के 75 इंच के बीच में। हाँ जी भाई साहब, 43 इंच से लेकर के 75 इंच के बीच में आपको बेस्ट 4K प्रीमियम टीवी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा बेस्ट कलर पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, नेचुरल कलर पिक्चर प्रोफाइल, उसकी वारंटी, उस साथ साथ में उसकी सर्विसिंग क्वालिटी कैसी है, ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए जिसमें जरा से भी कमी है, हमने उस टीवी उस ब्रांड को अपनी लिस्ट से हटा दिया है। इसके बदले मैं आपसे खाली एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो रिक्वेस्ट ये है यार, इतनी बढ़िया वीडियो बनाते में समय लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि यार जब देखो यार आप मेरी वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते, उसके बाद यार मतलब एक अंदर से प्रोत्साहन नहीं मिलता, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, जिसमें 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है जब सब्सक्राइब करते हो, तो और प्रोत्साहन मिलता है, लगता है कि यार आपके लिए और कितना बढ़िया से बढ़िया और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला पाऊं बिना किसी ब्रांड के दबाव में आमिना, क्योंकि मैं कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बनाता। इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को जाके अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो को आगे देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस, बेस्ट 4K प्रीमियम टीवी, जितनी भी मैं आज आपको टीवी बताने वाला हूँ 43 इंच से लेकर के 75 इंच के बीच में प्रीमियम 4K टीवी, उन सब की जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी दी हुई लिंक से अपनी परचेज को पूरा करिएगा, आपको कोई भी टीवी पसंद है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है ना, उस पर क्लिक करके उसको पूरा जो है अपनी परचेज को पूरा करिएगा, कोई भी टीवी खरीदनी है तो, और आपको उससे 1 रुपए सिंगल रुपए भी आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, मुझे कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिल जाएगा आपकी तरफ से। अब आप सोचो कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, आप लोग ऐसा क्यों करें, क्योंकि यार देखो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, मैंने किसी ब्रांड से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं, मुझे जो पैसे मिलते हैं वो आपके द्वारा ही मिलते हैं, जब आप लिंक पर क्लिक करते हो मुझे उसके द्वारा कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिल जाता है, उससे हम टीवी को अनबॉक्स करते हैं, हमारी टीम है, सब कुछ खर्चा आता है, तो उस खर्चे उस पैसे के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज मेरी दी हुई लिंक से अपनी परचेज को पूरा करिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आपको 1 रुपए भी एक्स्ट्रा देने भी नहीं होंगे, इसलिए प्लीज बाय फ्रॉम माय लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो गाइस, बेस्ट 4K प्रीमियम टीवी 43 इंच से लेकर के 75 इंच में हमने आपको जो सबसे पहली टीवी बताने वाले हैं, वो आपको मिलने वाली है सोनी X74L या फिर सोनी X75L। अब ये जो या फिर बोला है, ये जो दोनों टीवी है इनके बीच में खाली 3-4% का डिफरेंस है, बाकी ऑल द वे पूरी 0-100% ये दोनों ही टीवियां सेम है, तो दोनों में से आप कोई भी टीवी ले सकते हो। मैं तो कहूंगा कि आप 75L या फिर 74L कोई भी ले सकते हो, मेरा रिकमेंड रहेगा कि जो आपको सस्ती पड़ा है वो ले लीजिएगा प्रेजेंट टाइम में। अब बात की जाए इस वाली टीवी की, 75L या फिर 74L की, ये जो दोनों टीवी 4K प्रीमियम टीवी है, साथ साथ में पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको HDR 10 प्लस के कंटेंट मिलता है, HDR 10 दे सकते हो, HLG दे सकते हो, Dolby Vision इसमें अंदर नहीं मिलता। वही अगर स्पीकर की बात किया तो इसमें आपको साथ साथ में Dolby Audio स्पीकर मिलते हैं, जो कि 20 वॉट के मिलेंगे, चाहे जिस भी साइज की टीवी लाओ स्पीकर के जो है जो वॉटेज है वो नहीं बढ़ेगा, और आपको Dolby Atmos इसमें इनबिल्ट नहीं मिलता है, हाँ Dolby Atmos का कोडेक मिलता है।
अब मेन आते हैं पिक्चर क्वालिटी के बारे में। देखो डॉल्बी विजन नहीं मिला वो तो एक अदर बात है, इस वाली टीवी की अगर पिक्चर मतलब पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी कलर पिक्चर क्वालिटी आपको इस वाली टीवी मिलती है। मान लीजिए जैसे कि आप जो है इस वाली टीवी को अपने घर में लाते हो, इसमें आप जो है न्यूज़ देख रहे हो, जो डेली न्यूज़ होती है जो SD या फिर HD कंटेंट देखते हो, उसमें ये टीवी आपको बहुत बढ़िया कलर पिक्चर प्रोफाइल देती है। मतलब यार एक नेचुरल कलर पिक्चर प्रोफाइल देती है जो कि आपको न्यूज़ देखने में मजा भी आता है। न्यूज़ को आपको बहुत ज़्यादा पंची कलर से नहीं चाहिए क्योंकि आप मूवी नहीं देख रहे हो या फिर डेली सोप नहीं देख रहे हो, तो ये चीज़ आपको नेचुरल कलर पिक्चर प्रोफाइल देती है। बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ आपकी टीवी में हो पाती है जब आप उसको देखते हो। लेकिन जैसे ही आप कोई भी मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई भी स्पोर्ट्स कंटेंट देख रहे हो तो वहां पे आपको कलर अच्छे चाहिए, लाइव कलर चाहिए, पंची कलर चाहिए थोड़े से, तो वहां पे आपको इस वाली टीवी में लाइव कलर पिक्चर प्रोफाइल मिलती है जो कि आपको नेचुरल जो कलर्स है जिस तरीके से मूवी शूट हुई थी उस समय में उसी तरीके की पिक्चर इसमें आपको दिखाता है। बहुत अच्छी है। और जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है सोनी की वो होती है अपस्केलिंग टू 4K। मान लीजिए कोई भी आप HD या फिर फुल HD कंटेंट देख रहे हो, आपका सब्सक्रिप्शन खाली इतने का ही, लेकिन ये टीवी क्या करेगी उसको 4K में कन्वर्ट करके आपको दिखाएगी। आपको जरूरत ही नहीं है 4K का सब्सक्रिप्शन लेने की। इस वाली टीवी में आपको 95% तक ये टीवी उसको 4K रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर देती है और आपको पता ही नहीं चलेगा एक समय के लिए यार आप फुल HD कंटेंट देख रहे हो या फिर आप 4K कंटेंट देख रहे हो, HD देखोगे तो उसको 2K में कन्वर्ट कर देगी। इस हद तक ये टीवी का प्रोसेसर कैपेबल है इतनी अच्छी कलर पिक्चर प्रोफाइल दिखाने में। साथ साथ में स्पोर्ट्स कंटेंट देखो तो उसमें भी आपको इसमें जो मोशन XR Flow 100 है जो कि आपको 74L में मिलेगा, यही खाली एक डिफरेंस है, या फिर मोशन XR Flow 200 जो कि 75L में मिलेगा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दोनों ही टीवी में मिलता है। बस ये है कि 75L में जो MEMC है जो XR Flow 200 है वो हल्का सा 3-4-5% ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, बाकी उसके लिए खाली 2-3 हज़ार रुपये जो है सोनी टीवी एक्स्ट्रा लेती है 75L में। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको 74L भी ले सकते हो, 75L भी ले सकते हो, जो जिस भी साइज में आपको लेना है, अगर वो साइज आपको अगर 74L में मिल रही है वो सस्ती मिल रही है तो 74L ले लीजिएगा, और 75L में लेना है तो 75L में तो आपको सारी की सारी साइज मिल जाएंगी। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो एज फॉर एग्जांपल आप 55 इंच की टीवी लेने जाते हो तो प्रेजेंट टाइम में आपको वो टीवी 74L में 57,990 रुपीज की मिल जाएगी। भाई 65 इंच की टीवी की बात करोगे तो वो टीवी की प्राइसिंग आपको लगभग मिल जाएगी 77,990 रुपीज की, ये 74L की प्राइसिंग बता रहे हैं। बाकी 75 जो L है वो आपको 45 इंच से लेकर के 75 इंच के बीच में आती है, उनकी प्राइसिंग मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। बाकी अगर खरीदना चाहते हो इन दोनों में से कोई भी टीवी तो उन दोनों के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर के आप खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस अब जो दूसरी टीवी आपको बताने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं सोनी ब्राविया 2 टीवी के बारे में। हाँ जी भाई साहब सोनी ब्राविया 2 ये बिल्कुल लेटेस्ट टीवी है, 2024 मॉडल टीवी है सोनी कंपनी तरफ से, और ये आपको खाली दो ही साइज मिल रही है 55 इंच और 65 इंच। अब बात करिए इस वाले टीवी के बारे में तो यार सोनी ब्राविया 2 के अंदर भी इन्होंने दो तरीके से और डिफरेंट टीवी निकाल दी, मतलब एक ही मॉडल एक ही दो और उसके अंदर मॉडल सब मॉडल मान लीजिए निकाल दिए। सोनी ब्राविया 2 में आपको एक मॉडल मिलता है S25 और दूसरा मॉडल मिलता है आपको S25B। अब जो बी वाला मॉडल है वो आपको 1,000-2,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा 55 इंच में, और 65 इंच में लोगों को तो लगभग 5,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा। आपको पहले मैं प्राइसिंग बता देता हूँ। मान लीजिए आप सोनी ब्राविया 2 में S25 लेते हो तो उसमें आपको 55 इंच की जो टीवी है वो आपको लगभग मिल जाएगी 69,340 रुपीज़ के आसपास। वही 65 इंच की टीवी लेते हो सोनी ब्राविया 2 25 में S25 में तो आपको लगभग मिल जाएगी 91,000 रुपीज़ की। वही अगर S25B की बात की जाए सोनी ब्राविया 2 में तो उसकी जो प्राइसिंग 55 इंच की प्राइसिंग है वो आपको मिल जाएगी लगभग 67,000 रुपीज की। वही अगर 65 इंच की टीवी लेते हो तो उसकी प्राइसिंग आपको लगभग मिल जाएगी 85,000 रुपीज की। अब बात ये है इन दोनों में खाली वही मोशन XR Flow 100 आपको मिला है S25B में और मोशन XR Flow 200 मिला है S25 में, तो थोड़ा सा MEMC ज़्यादा अच्छा कर दिया गया S25 में और S25B में हल्का सा कम अच्छा है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा 1,000-2,000 एक्स्ट्रा भी दे रहे हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कोई भी ले सकते हो। आपके अगर बजट में आ रहा है तो आप S25 ले लीजिए, और S25B भी ले लोगे ना तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, खाली 5% का डिफरेंस है और इसको मैं ना के बराबर मानता हूँ। अब इस टीवी के बारे में बात की जाए तो यार ये देखो ये जो टीवी है लेटेस्ट टीवी है बहुत अच्छी टीवी है, कलर पिक्चर प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और मैं आपको बताना चाहूंगा जो सोनी X75L है ना बिल्कुल वैसी सेम प्रोसेसर सेम टीवी सेम कलर पिक्चर प्रोफाइल मिलती है, बस क्या है कि थोड़े से कलर पिक्चर और ज्यादा एनहांस करेंगे, लगभग 5-10% आपको ज्यादा एनहांस मिलेंगे, लेकिन आपको साथ साथ में इसमें MEMC जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा किया गया इस वाली टीवी में। तो लेकिन यहाँ पे मैं एक्चुअली और कहना चाहूंगा सब कुछ अच्छा है इस वाली टीवी में, कोई भी चीज की खराबी नहीं है। पिछले साल का जो X75L है उसका सक्सेसर मॉडल है, मतलब उससे अच्छा मॉडल है टीवी में, बट ये है कि इसमें आपको जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी नहीं ठीक ठाक ज्यादा देनी पड़ रही। मान लीजिए आप 65 इंच का मॉडल ले रहे हो, X75L की बात करोगे 65 इंच का मॉडल, तो वो आपको कितने का मिलेगा प्रेजेंट टाइम में लगभग 80,000 रुपीज का।
ठीक है। और वही अगर आप जो है 75L ले रहे हो, वहीं पे अगर S25B सोनी ब्राविया 2 ले रहे हो तो वो आपको मिलेगा 91,000 रुपीज का, लगभग लगभग आप 11,000 रुपीज ज्यादा दे रहे हो खाली 5% डिफरेंस के लिए। तो मेरे ख्याल से आप S75L भी ले सकते हो, अगर इसकी प्राइसिंग आपको अगर 85,000 तक मिल जाए, ठीक है ना, तो आप लीजिएगा। So, S25 की बात करें, S25B की बात नहीं करें, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इसकी प्राइसिंग 91,000 रुपीज की जगह अगर आपको 85,000 रुपीज मिल जाए तो आप ले सकते हो, तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बनता है, लेकिन 11,000 रुपए एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से नहीं बनता। इससे अच्छा वो 11,000 रुपए बचा करके, क्योंकि इसके अंदर 20 वॉट के स्पीकर है, तो X75L लीजिए और उसमें बढ़िया सा डॉल्बी ऑडियो के या फिर डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर भी लेना चाहते हो तो 15,000 वो भी आ जाएंगे, वो भी जाकर के ले सकते हो, क्योंकि आपको अगर बढ़िया थिएटर वाला फील चाहिए तो ये आपको मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूं। बाकी आप सोनी ब्राविया 2 भी ले सकते हो, X75L भी ले सकते हो, बस प्राइसिंग देख लीजिएगा। ज्यादा डिफरेंस अगर 11,000 का डिफरेंस है तो मत लीजिएगा, कम डिफरेंस है तो सोनी ब्राविया 2 लीजिएगा। बाकी सोनी ब्राविया 2 की जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर के आप इसको खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस, अब आपको एक ऐसी टीवी बताने जा रहे हैं जो आपको फुल्ली ऑल राउंड टीवी मिलती है और हर चीज में वो टीवी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करती है। टीवी का नाम है हाइसेंस U7K। अब बात की इस वाली टीवी की, तो ये आपको सबसे बड़ी बात है, इसमें जो पैनल आपको मिलने वाला है, पता कौन सा पैनल है? इसमें आपको फुल एरे लोकल डिमिंग पैनल मिलने वाला है। और ये जो फुल एरे लोकल डिमिंग जो पैनल होते हैं ना, इनकी जो प्राइसिंग वो शुरू ही होती है 1,00,000 के ऊपर टीवियों से, लेकिन इस बार इस वाली टीवी में आप मान लीजिए 55 इंच की टीवी लेते हो तो आपको 60,000 रुपीज की मिल जाएगी और कूपन भी आपको 3,000 रुपए का मिल जाएगा। कार्ड्स एंड ऑफर लगाओ तो हो सकता है 55,000 तक की टीवी आपको मिल जाए। भैया आपको इसमें 65 इंच की जो टीवी वो आपको लगभग 85,000 रुपीज की मिल जाएगी और 75 इंच का जिसका जो सबसे बड़ा साइज है वो आपको लगभग 1,60,000 रुपीज का मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये प्राइसिंग आपको ज्यादा लग रही है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि ये फुल एरे लोकल डिमिंग पैनल है जिसकी प्राइसिंग शुरू ही होती है 55 इंच की टीवी की 1,00,000 रुपए से। 75 इंच का जो मॉडल है वो तो 2,500-3,00,000 रुपए उसका रेट पहुंच जाता है। अब इस वाले टीवी के बारे में बात किया जाए, ये मैंने ऑल राउंड क्यों बोला, सबसे बड़ी बात ये तो पहली बात ये कि फुल एलईडी लोकल डिमिंग पैनल तो है, ये साथ साथ में क्यूलेट टीवी है और साथ साथ में 1,000 nits की ब्राइटनेस इस वाली टीवी में। स्पीड से सुन लीजिए, 1,000 nits की ब्राइटनेस है यार, मतलब आपको फुल्ली थिएटर वाला फील आने वाला है इस वाली टीवी में। अगर आप, क्योंकि बड़े 55 इंच का टीवी भी साइज बड़ा ही साइज होता है, फुल्ली थिएटर वाला फील आएगा आपकी इस वाली टीवी में। मतलब यार जब इस वाली टीवी को मैंने देखा था, मुझे लग ही नहीं आता एक समय के लिए कि यार मतलब इतने बढ़िया कलर पिक्चर प्रोफाइल आ रही है इतने कम प्राइसिंग में। मैं खाली 60,000 रुपीज दे रहा हूँ, कहाँ 1,10,000 रुपए में मिलता फुल एलईडी लोकल डिमिंग पैनल, इतनी बढ़िया कलर पिक्चर प्रोफाइल। मतलब इस वाली टीवी को मैं कंपेयर कर सकता हूँ सोनी X82L से, उससे भी एक दो मामले में ज्यादा अच्छी कलर पिक्चर प्रोफाइल मुझे इस वाली टीवी की लगती है, खासकर ब्राइटनेस के मामले में तो खासकर बोल सकता हूँ। साथ साथ में डॉल्बी विजन कंटेंट जब इस वाली टीवी में देखोगे, बाय गॉड इतना प्यारा कलर दिखता है इस वाली टीवी में, इतना बढ़िया ब्राइटनेस आती है इस वाली टीवी की, 1,000 nits की टॉप ब्राइटनेस है। जहां पर जरूरत होती है वहां पर जब 1,000 nits की टॉप ब्राइटनेस दिखती है ना, लगता है भाई साहब वाकई में यार बिल्कुल एक समय एक तरीके से बिल्कुल थिएटर वाला फील आप देख रहे हो, इतनी बढ़िया कलर पिक्चर प्रोफाइल आपको इस वाली टीवी मिलती है। यही नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, डॉल्बी विजन HDR10+ ये सब तो बहुत अच्छी, मतलब मूवीज वूवीज देखना तो बहुत मजा आएगा, न्यूज देखना उसमें भी बहुत मजा आएगा, लेकिन अब आगे बात करिए इस वाली टीवी में आपको स्पीकर्स की, तो आपको इसमें 49 वॉट के स्पीकर मिलते हैं इनबिल्ट, जो कि मेरे ख्याल से यार सफिशियंट है। अगर आपको न्यूज़ देखना है, मतलब नॉर्मल कंटेंट देखना है, तो सफिशियंट है, लेकिन अगर आपको थिएटर वाला फील चाहिए उसके लिए तो आपको साउंड बार लेना ही पड़ेगा। लेकिन आपको साथ साथ इसमें 49 वॉट का डॉल्बी एटमॉस स्पीकर मिलता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी इस वाली टीवी में, और आप डिकोडिंग अलग से स्पीकर लगाओगे तो उसकी भी डिकोडिंग मिलेगी आपको डॉल्बी एटमॉस की। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ इस वाली टीवी में वो क्या है, वो है इसकी गेमिंग। आपको ये 144 Hz का पैनल मिल जाता है, हाँ जी भाई साहब ये भी इस वाली टीवी में आपको 144 Hz का पैनल मिल जाता है वाली टीवी में, तो आप PlayStation 5 लगाओ या फिर गेमिंग लैपटॉप लगाओ आपको 144 Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। लेकिन यही नहीं, आपको 144 Hz से भी ज़्यादा मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू ये उसको 240 Hz तक पहुँचा देता है, तो मतलब जो गेमिंग का मज़ा है वो भी आपको अनलिमिटेड मिलने वाला है इस वाली टीवी में बहुत बेहतरीन तरीके से। वही कनेक्टिविटी में भी आपको HDMI 2.1 का पोर्ट मिलने वाला है, HDMI EARC के 2 पोर्ट मिलने वाले हैं, और यही नहीं आपको टोटल HDMI के 4 पोर्ट मिलेंगे, पेन ड्राइव के 2 पोर्ट मिलेंगे, और सारी कनेक्टिविटी तो मिली रही है। Wi-Fi 6E भी मिल रहा आपको इस वाली टीवी में, तो Wi-Fi कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा अच्छी इस वाली टीवी में। ये सब चीजें मतलब एक किनारे है, प्राइसिंग भी आपको इस वाली टीवी की बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था। एक शब्द में कहूंगा, देखो यार फुल्ली डिटेल वीडियो बनानी पड़ जाएगी इस वाली टीवी की, इसलिए मैंने इसको अपनी लिस्ट में चुना हुआ है, और इसको मैं कंपेयर भी किससे कर रहा हूँ, सोनी X82L से, जिसकी प्राइसिंग इससे ठीक ठाक ज्यादा है, उससे कम है, उससे ज्यादा अच्छी प्राइसिंग, और मैं कहूंगा जो 10-15-20,000 रुपए आपको बच रहे ना, उसको पैसा बचाइए और जाकर के डॉल्बी एटमॉस की स्पीकर लेकर के आइए 5.1 चैनल का। आपको जो मजा आने वाला है इस वाली टीवी में वो एक फुल्ली थिएटर वाला आने वाला है, अगर इतने रुपए आप खर्च कर दोगे तो। डॉल्बी एटमॉस स्पीकर लाइए और साथ साथ में LED TV लेकर आइए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी इस वाली टीवी की, वहां जाकर के इस वाली टीवी खरीद सकते हो, हाइसेंस U7K, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
हाँ तो गाइस, अब जो आपको अगली टीवी बताने वाले हैं वो आपको मिलने वाली है सैमसंग कंपनी की तरफ से वाली टीवी है। ये सैमसंग का क्यूलर टीवी है, 2024 मॉडल टीवी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो टीवी है ये QE1D का मॉडल है और ये पैंटोन वेरीफाइड है। पैंटोन एक कंपनी है जो कलर्स को वेरीफाइड करती है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी जो कि हमेशा प्रीमियम टीवी को ही वेरीफाइड करती है। वो आपको इस वाली टीवी में कलर्स जो है वो पैंटोन वेरीफाइड मिल रहे हैं, जिसमें आपको 100% आपको जो है क्वांटम डॉट LED टीवी मिलने वाली है और sRGB भी आपको 100% कलर वॉल्यूम भी मिलने वाला है इस वाली टीवी में। और क्यूलेट टीवी है और सैमसंग आपको पता है यार क्यूलेट टीवी बनाने में किंग है। इससे बढ़िया पैनल क्यूलेट के अभी तक कोई भी अदर कंपनी नहीं बना पाती प्रेजेंट टाइम में बात हुई जाए तो। अब इस वाली टीवी के बारे में और चीज़ बताया आपको, तो देखो ये जो टीवी आपको प्रेजेंट टाइम में आपको दो साइज में मिल रही है, 55 इंच जिसकी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी लगभग 65,000 रुपीज़, 1-2,000 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। वही 65 इंच की जो टीवी वो आपको लगभग 1,15,000 रुपीज़ की मिल जाएगी। अब इस वाली टीवी के बारे में बात की जाए, देखो सबसे बड़ी बात ये, शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया था ये टीवी आपको क्यूलेट पैनल के साथ आने वाली वाली टीवी, जो कि आपको बहुत बढ़िया कलर पिक्चर प्रोफाइल है, HDR10+, HDR10 HLG ये सब देख सकते हो इस वाली टीवी में। डॉल्बी विजन आपको सैमसंग नहीं देता है, ये चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। डॉल्बी विजन आप जो है 12 लाख की टीवी भी ले लो ना, सैमसंग में आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता। लेकिन इस वाली टीवी में जैसे ही आप HDR10+ के कंटेंट देखोगे और किसी भी अदर ब्रांड में डॉल्बी विजन के कंटेंट लगाओगे ना, इसमें आपको HDR10+ के कंटेंट उसके बराबर लगेंगे। इतनी बढ़िया इसमें आपको मिलने वाली है कलर पिक्चर प्रोफाइल, इतनी ज़्यादा गजब की। वही साथ साथ में इस वाली टीवी की और बात की जाए तो यार देखो, अब इस स्केलिंग टू 4K इस वाली टीवी में नेक्स्ट लेवल की होती है, मतलब बहुत बढ़िया। आप खाली फुल HD कंटेंट देखो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 4K देख रहे हो कि फुल HD देख रहे हो। आपको 100% ये लगने वाला है कि आप इसमें 4K कंटेंट ही देख रहे हो, इतनी बढ़िया 4K आप स्क्रीनिंग इस वाली टीवी में होती है। वही कहा, इस वाली टीवी में आपको 2 ईयर्स की आपको वारंटी मिलने वाली, 1 ईयर की एडिशनल वारंटी मिल रही है पैनल के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब कंपनी ने 2 ईयर की वारंटी देना किसी भी चीज़ में बहुत अच्छी बात है। वही साथ साथ में इस वाली टीवी की आगे बात की जाए फंक्शंस की, तो आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो। हालांकि 60Hz का पैनल है लेकिन आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड इस वाली टीवी मिल रहा है HDMI 2.1 पोर्ट के थ्रू, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। साथ साथ में आपको एक चीज़ बता दें, इस वाली टीवी में आपको 20W के ही स्पीकर मिलते हैं। तो आपको देखिए यार, प्रीमियम टीवी कोई भी लेते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि आपको अलग से साउंड बार खरीदनी है। बहुत कम ही कंपनी होती है जो आपको 20W के ऊपर स्पीकर देते हैं। LG, सोनी, सैमसंग तो आपको नहीं देने वाली 20W के ऊपर। मान के चलिए आपको अलग से साउंड बार सिस्टम खरीदना है अगर आपको थिएटर वाला फील चाहिए तो। और बेस्ट साउंड बार की लिंक कहाँ मिलेगी? मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि मेरे खुद के द्वारा ट्राइड एंड टेस्टेड साउंड बार है। अब बात करिए सारी टीवी में, तो आपको जो है साउंड बार आपको 20W का ही मिलने वाला है, वो डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी मतलब कुछ भी हो, डॉल्बी ऑडियो कुछ भी, क्या 20W के स्पीकर में आपको आवाज ही नहीं आएगी यार। 55 इंच की टीवी बड़े हॉल में लगाओगे तो उसको बात ही ना करो। बाकी बात की जाए आगे सारी टीवी की, तो देखो पैंटोन वेरीफाइड कलर्स जो थे मैंने शुरुआत बताया था, तो कलर्स इस वाली टीवी में बहुत ज़्यादा बेहतरीन और एक स्लीक में कलर मिलते हैं। मतलब कि आप मूवी जब देखोगे आप उसमें खो जाओगे एक समय के लिए। बहुत बढ़िया कलर्स कलर पिक्चर प्रोफाइल मिलती है, नेचुरल कलर पिक्चर प्रोफाइल मिलती है। और सैमसंग क्या करता है ना, कलर्स को इस तरीके से सैचुरेट करता है कि आपको बहुत बढ़िया लगते हैं वो कलर्स। साथ साथ में इस वाली टीवी में जो रिमोट है वो आपको फुल्ली स्मार्ट रिमोट मिलता है और सोलर रिमोट मिलता है। मतलब आपको सेल डालना ही नहीं है, आप या तो उसको टाइप सी से चार्ज कर लो या फिर आपके घर में जो मतलब जो बल्ब जलते हैं लाइटें जलती हैं उससे वो चार्ज हो जाएगा उल्टा करके अगर रख दोगे तो। वही दूसरी बात क्या है इस वाली टीवी में, तो आपको इस वाली टीवी में जो है 2GB की रैम मिल रही है आपको इस वाली टीवी में, और साथ साथ में आपको 8GB का स्टोरेज मिल रहा है और पेन ड्राइव के थ्रू आप स्टोरेज अलग से बढ़ा भी सकते हो। वही साथ साथ में अगर आपको इसके देखा जाए तो इसके अंदर आपको टाइसन OS मिल जाता है, जो कि सैमसंग का खुद का OS है। तो ये जो टाइसन OS है वो चिंता मत करिए, सैमसंग की चाहे जितनी महंगी टीवी लोगे सबके अंदर टाइसन OS मिलने वाला है, आपको गूगल OS नहीं मिलता। ये सैमसंग खुद का बनाया हुआ OS है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो OS आप चलाओगे तो बहुत फ्री और बहुत अच्छी तरीके से चलता है, और सारे के सारे जितने भी ऐप्स हैं ना वो आपको इसके अंदर मिलने वाले, तो उसकी चिंता मत करिएगा। वही बात किया यार, सैमसंग आपको होता है क्यूलेट पैनल टीवी है, तो जो क्यूलेट की जो टीवी है उसमें ब्राइटनेस है, तो इस वाली टीवी में नेक्स्ट लेवल की ब्राइटनेस भी आपको मिलने वाली है, इसीलिए हमने अपनी लिस्ट में इसको चुना हुआ है। खरीदना चाहते हो अगर इस वाली टीवी की, जिसकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसको खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस, अगर आपको सैमसंग की क्यूलेट टीवी नहीं लेनी है, आप सोच रहे मुझे सैमसंग की क्यूलेट टीवी नहीं लेनी, आपको उससे भी अच्छी कलर पिक्चर प्रोफाइल वाली टीवी चाहिए, तो आपको मैं सोनी की टीवी यहाँ पे बताने वाला हूँ, सोनी X80L या फिर सोनी X82L, ये दोनों ही आपको क्यूलेट टीवी मिल जाती है सोनी कंपनी तरफ से। और नॉर्मल से ज्यादा इसकी प्राइसिंग आपको ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि उससे अच्छी बोला ना मैंने। अब बात की इस वाली टीवी की, देखो तो इस वाली टीवी के बारे में बता दूं आपको, तो ये टीवी आपको 43 इंच से लेकर के 85 इंच तक आ जाती है। अब यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जो 80L है और जो 82L है ये दोनों ही सेम टीवी है, बस जो साइज आपको 80L में मिल जाता है 43 इंच और 50 इंच, वो साइज आपको 82L में नहीं मिलेगा। उसमें आपको 65 इंच, 75 इंच ये सारे साइज, 55, 65 और 75 इंच के साइज चाहिए तो 82L में जाइए, और 43 इंच का साइज चाहिए या फिर 50 इंच का साइज चाहिए तो आपको जो है 80L में मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही टीवी बिल्कुल सेम टीवी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करिए इस वाली टीवी की, तो सोनी X82L के बारे में बात करी जाए,
दोनों ही टीवी बोलना एक तरीके से समझ जाए, कंफ्यूज मत होइएगा। 80L या फिर 80-12 की बात किया तो ये दोनों ही टीवी आपको क्यूलेट पैनल के साथ आती है, सबसे बड़ी चीज, और ब्राइटनेस आपको इस वाली टीवी में बहुत बेहतरीन मिलती है। साथ साथ में इस वाली टीवी में आपको डॉल्बी विजन मिल जाता है। और आप सोच लीजिए, सोनी जब HDR 10 प्लस के कंटेंट इतने अच्छे दिखाता है, तो डॉल्बी विजन के कंटेंट कितने अच्छे दिखाएगा, वो चीज आपको इस वाली टीवी में मिलने वाला है। और जो डॉल्बी विजन के कंटेंट जब इस वाली टीवी में आप देखते हो, आप बिल्कुल खो जाओगे। फुल्ली थिएटर वाला फील आपको जो इस वाली टीवी में आने वाला है क्यूलेट पैनल के साथ डॉल्बी विजन, वो आपको नेक्स्ट लेवल का होगा। मुझे पता नहीं, आप सीधे लीजिए और अपने घर में लाइए और अगले 10 साल तक भूल जाइए कि इस वाली टीवी में कोई कमी है। बहुत बेहतरीन टीवी है यार, एक शब्द में कहूंगा। आप इस वाली टीवी में HDR 10 प्लस के कंटेंट भी दे सकते हो, HDR 10 भी दे सकते हो, वो सब तो अच्छी बात है। और साथ साथ में आपको इस वाली टीवी में क्या कर सकते हो, डॉल्बी एटमॉस इनबिल्ट मिल रहा है। मतलब कि आपको इसमें, हालांकि है 20 वाट का ही स्पीकर, चाहे आप जितना बड़ा साइज ले लो 20 वाट का ही है, तो अलग से आप साउंड बार लगाते हो तो डॉल्बी एटमॉस आपको डिकोडिंग इस वाली टीवी में मिलेगी। इनबिल्ट भी डॉल्बी एटमॉस है और डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग भी आपको इस वाली टीवी में मिल जाएगी, ठीक है। वही साथ साथ में गाइस बात करिए इस वाली टीवी की, और भी बात कर जाए तो यार ये देखो, ये जो टीवी है ना वो क्यूलेट पैनल के साथ आती है, डॉल्बी विजन ठीक है। आपको इस साथ जैसे प्ले स्टेशन जब 5 लगाते हो तो उसके स्पेशल एडिशन से वाली टीवी मिल जाते हैं। मतलब कि आपको हालांकि है खाली 60 हर्ट्ज का ही पैनल, लेकिन जब आप लगाओगे इस वाली टीवी को जो है गेमिंग प्ले स्टेशन 5 लगाओ, तो यार आपको जो मजा आएगा इस वाली टीवी में, ऑटो लो लेटेंसी मोड बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आप लगेगा नहीं एक समय के लिए कि यार आपकी मतलब नॉर्मल टीवी देख रहे हो, कि मतलब क्यूलेट 4K डॉल्बी विजन या फिर गेमिंग वोमिंग कुछ भी करो, सारी टीवी में नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। बस खाली घर पे लाइए, यूज़ करिए, बहुत बेहतरीन टीवी है यार। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी इस वाली टीवी की, वहाँ जाकर आप इसको खरीद सकते हो। हाँ तो गाइस, अब आपको आखिरी की दो टीवी सबसे ज़्यादा प्रीमियम टीवी बताने वाले हैं। ये जो टीवियाँ हैं मतलब हर एक मामले में बहुत ज़्यादा बेहतरीन टीवी हैं। सबसे पहली जो टीवी आपको बताने वाले हैं वो है LG OLED A3। और आपको पता है जो LG कंपनी है वो प्रीमियम टीवी में OLED टीवी बनाने में किंग है। इससे बढ़िया OLED टीवी पैनल कोई नहीं बनाता, यहां तक कि सोनी कंपनी की भी जो OLED टीवी होती है उनको जो पैनल है वो LG कंपनी ही देती है। तो आप खुद सोच सकते हो LG कितने बढ़िया पैनल बनाती है। अब बात करिए LG OLED A3 की, तो ये जो टीवी आपको 48 इंच, 55 इंच और 65 इंच की साइज में आती है। हालांकि 75 इंच भी आती है, लेकिन वो ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। अब बात की इसकी प्राइसिंग की, तो 48 इंच की जो टीवी है वो आपको लगभग मिल जाएगी प्रेजेंट टाइम में 85,000 रुपीज़ की। और हाँ जी भाई साहब, ये महंगी टीवी है, क्योंकि OLED टीवी महंगी ही आती है। इससे कम प्राइस में OLED टीवी अच्छी नहीं आती। आपको कोई भी OLED टीवी देखोगे तो मिनिमम आपको 80,000 रुपये के ऊपर ही मिलेगी 48 इंच की या 50 इंच की टीवी। वही अगर आप 55 इंच की टीवी की बात करो तो लगभग आपको मिलेगी 110,000 रुपीज़ की। वही अगर आप 65 इंच की टीवी की बात करो तो लगभग आपको मिल जाएगी प्रेजेंट टाइम में 1,30,000 रुपीज़ की। अब बात करें इस वाली टीवी की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीवी है LG OLED A3, सबसे बढ़िया चीज़ है कि इससे बढ़िया ब्लैक आपको जितनी भी पिछली टीवी बताई है कोई भी नहीं दे सकता, इतनी बढ़िया ब्लैक आपको। क्योंकि OLED टीवी के बराबर ब्लैक ना आपको VA पैनल मिलने वाले हैं, ना ही IPS पैनल मिलने वाले हैं। सबसे बढ़िया ब्लैक्स और जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है वो सबसे बढ़िया आपको OLED टीवी मिलता है, वो भी LG का OLED टीवी हो तो लाजवाब है। ये जो LG OLED A3 है ना, मतलब आपको फुल्ली थिएटर वाला फील है, ब्लैक्स और मतलब परफेक्ट कलर, ओरिजिनल कलर चाहिए तो ये है वो वाली टीवी। वही बात करें इस वाली टीवी की, तो इस वाली टीवी में आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस दोनों का ही सपोर्ट है। हालांकि 20 वॉट का स्पीकर है, अलग से आपको साउंड बार सिस्टम लेना पड़ेगा। HDMI EARC का पोर्ट भी मिल जाता है आपको इस वाली टीवी में, और साथ साथ में Alpha 7 प्रोसेसर लगा हुआ है इस वाली टीवी में। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें आप गेमिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो, ऑटो लो लेटेंसी मोड में मिल जाता है आपको इस वाली टीवी में। हालांकि पैनल आपको खाली 60 हर्ट्ज़ का ही मिलता है। वही साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस वाली टीवी, वो ये है कि कलर पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। मतलब अप स्केलिंग टू 4K भी है इस वाली टीवी में। आप डॉल्बी विजन का कोई भी कंटेंट देखिए, जो आपको ब्लैक्स मिलेंगे इस वाली टीवी में, जो आपको क्रिस्टल क्लियर कलर्स मिलेंगे इस वाली टीवी में, वो बेहतरीन होंगे। मतलब एक शब्द कहूंगा, बहुत अच्छे होंगे। गेमिंग भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया 4K कलर टीवी मिलेगी। HD HD कोई भी कंटेंट देखोगे बहुत अच्छे दिखेंगे। साथ साथ में आप इस वाली टीवी में स्पीकर अलग से लगाते हो, डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर भी लगा सकते हो, इनबिल्ट भी डॉल्बी एटमॉस के 20 वॉट के स्पीकर है। वही बात करें इस वाली टीवी की, अगली तो खरीदना चाहते हो इस वाली टीवी की, तो इसकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर इस वाली टीवी को आप खरीद सकते हो। हाँ तो गाइज, अब हमारी लिस्ट में जो सबसे ज्यादा बेस्ट मतलब LG OLED जो A3 है, और इसको दोनों को बराबर भी बोल सकते हो कलर पिक्चर क्वालिटी के मामले में खासकर, लेकिन फीचर्स वाइज थोड़ी सी ये ज़्यादा ही वाली टीवी, उसका नाम है Sony X90L।
कलर पिक्चर क्वालिटी की बात करोगे तो मैं बोलना चाहूंगा एलजी और सोनी X90L, एलजी ओलेड A3 और सोनी X90L बिल्कुल आपको सेम मिलने वाला है, लेकिन आपको फीचर्स भी एक्स्ट्रा, जैसे आपको गेमिंग करनी है फुल एरे लोकल डिमिंग पैनल भी चाहिए तो ये सब आपको सोनी X90L में मिलने वाला है। अब सोनी X90L की बात करें तो ये उससे भी ज्यादा थोड़ी सी महंगी टीवी है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा, जैसे उसका 55 इंच का मॉडल की प्राइस कितनी थी 110,000 रुपीज, इसकी है 118,000 रुपीज, तो इस तरीके से थोड़ा सा ज्यादा प्राइसिंग इसकी आपको मिलेगी। लेकिन बात की सर टीवी की, सबसे बड़ी बात क्या है सर टीवी में, ये आपको गूगल टीवी ओएस के साथ आने वाली है सोनी की, साथ साथ में क्यूलेट पैनल टीवी है और मतलब हाँ ब्लैक्स एलजी ओलेड A3 जितने नहीं मिलने वाले अच्छे, लेकिन हाँ थोड़े से 1-2% 4-5% का फर्क नहीं, 10% का मिनिमम में आपको ब्लैक्स में फर्क आने वाला है इस वाली टीवी में। लेकिन हाँ गेमिंग आप इस वाली टीवी में 120 हर्ट्ज पैनल के साथ कर सकते हो, जो कि आपको नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा। ये इंटरनेशनल मॉडल होता है 90L सोनी कंपनी तरफ से, तो इसमें आपको जो सारे सारे फीचर है बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा। आप चाहे मूवी देखो, आप चाहे गेमिंग करो, चाहे आप इसमें साउंड म्यूजिक सुनो, हर एक मामले में अच्छा है और सोनी कंपनी आपको पता कितनी अच्छी होती है। और साथ साथ में यार ये वाली टीवी में आपको क्या मिल रहा है, PlayStation 5 की स्पेशल एडिशंस भी मिलने हैं तो आपके इस वाली टीवी में 120Hz के पैनल के साथ। खरीदना चाहते हो इस वाली टीवी की, इसकी जो लिंक होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर इस वाली टीवी को भी आप खरीद सकते हो। तो देखो गाइस यहां पे हमारी लिस्ट होती है खत्म, सारी सारी बेस्ट 4K प्रीमियम टीवी की, 43 इंच से लेकर के 75 इंच तक की हमने आपको यहां पे टीवी बताई है। और आपको मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख चुके हो प्लीज मेरे चैनल को अभी कभी जाकर के सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक जो आप पाए हो ना, ये रिसर्च एक दिन की नहीं है, पिछले 2-3 महीने की रिसर्च है और पिछले 3-4 साल से हम यही चीज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको इतनी बढ़िया चीज़ और इतनी अच्छी तरीके से बता पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिना किसी ब्रांड के दबाव में आए बिना, क्योंकि कोई भी स्पॉन्सर वीडियो मैं नहीं करता बॉस, मैं खाली आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप जब टीवी लाओ तो अगले 7-8 साल या 10 साल तक वो टीवी में आपको जरा भी दिक्कत ना हो, ना ही आपके एक सिंगल रुपये भी बर्बाद हो। इसके बदले में एक ही चीज़ है, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ साथ में अगर कोई भी टीवी खरीदना चाहते हो तो सबकी जो लिंक होगी बेस्ट बाइंग या डिस्काउंटेड लिंक भी होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर खरीद सकते हो। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं मेरी दी हुई लिंक से खरीदे, क्योंकि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं मुझे पैसा आपके द्वारा ही मिलता है जब मेरी दी हुई लिंक से परचेज करते हो, आपको एक सिंगल रुपए भी एक्स्ट्रा देने की होती है जब मेरी दी हुई लिंक से खरीदते हो, मुझे कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिल जाता है आपकी तरफ से, उस पैसे को लाता हूं इकट्ठा करता हूं, मेरी टीम को पैसा देता हूं और साथ साथ में आपको सब कुछ सर्च बताऊँ, इसलिए प्लीज़ बाय फ्रॉम माई लिंक ना। तो गाइस यहीं पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ में उसको शेयर भी करें। तो अगली टाटा बाय बाय।